नवकिशोर दास हत्या मामलार मुख्य अभियुक्त गोपाल को पुणि थरे रिमांड रे नेब क्राइमब्रांच एने आज कोर्ट रे क्राइमब्रांच पक्ष आवेदन करा जाई छी। गोपाल रा द्वितीय पर्याय रिमांड अवधि आज शेष हो किंतु तदंत संपूर्ण होबाको आउ किछि दिन समय लगभग एथिपे गोपाल को आउ थरे रिमांड रे नेबाको जेएमसी का निकट रे आवेदन करा जाई छी। आज अपराह्न रे गोपाल को कोर्ट रे हाजर करा जिवो। सेपटे हत्यार सब दिग को राज्य फोरेन्सिक टीम और केन्द्रीय फोरेन्सिक टीम मिलित भाव अनुधान करुछंती। गोपाल साइको आनालिसिस रिपोर्ट को मध्य अपेक्षा करा जाइथवा जस्टिस जेपी दास कहिसेंती रिपोर्ट आसीबा परे परवर्ती कार्यपंथा स्थिर करा जिवो। चलछि वेट फॉर द साइकोएनालिसिस रिपोर्ट को वेट करा हबो सेटा आसला परे तापर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड गोपाल संगे आलोचना करन भेटिना ओनली ओनली साइकोएनालिसिस जार्सो गुड आस्थली मो संगरे हमरो डायरेक्टर इंटेलिजेंस आछंती और एडीजी लॉ ऑर्डर आछंती। एडीजी क्राइम ऑलरेडी एठी कि थेले संपूर्ण सिचुएशन को रिव्यू करबा पई हमें आसिलु एठी रिव्यू करा गेला और क्राइम ब्रांच जेंति आपन जानिछंती हाई कोर्ट के निर्देश अनुसारी मॉनिटरिंग रे जस्टिस जो दास अच्छा अंडर रे इन्वेस्टिगेशन चली और से थरे गुड़ाए भल प्रोग्रेस स्टेट फॉरेंसिक साइंस जो एक्सपर्ट अच्छा ताकु और जो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी जो लोग एक्सपर्ट लोग अच्छा हमें साहय नहीं कर भल पूरा पूरी तदंत करवाई आम क्राइम ब्रांच जो अच्छी से पूरा चेष्टा अच्छी और जो इतने एक्यूज अच्छे हमारा गोपाल दास ताको फर्दर रिमांड ने भी हमें आज कोर्ट रे हमें अप्लाई करी छु तदंत को समय लगे हमें ऑल एंगल रू ताको प्रूव करा जाए छ। आईन रे व्यवस्था अच्छी से पूरा 15 दिन पई व्यवस्था अच्छी मु जाने नहीं कते दिन पई करी छंती किंतु अपर लिमिट 15 दिन रही छी से क्राइम ब्रांच ता डिसाइड करू छी सब जिंस्टा।